चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला कुछ इस टाइप का वीडियो का एडिटिंग के बारे में, तो ध्यान से देखना इस भाई का वीडियो को गाइस। ये स्काई चेंजिंग वाला वीडियो है गाइस, बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सर का ये फोटो को यूज करके इस टाइप का मेसीयू वाला वीडियो बनाया गाइस, बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। और गाइस बता दूं, अभी टिकटॉक पे हर कोई सुशांत सिंह राजपूत के जो वीडियो है गाइस और फोटो को यूज कर करके बहुत ही अच्छा अच्छा मेसीयू वाला वीडियो क्रिएट करके बना रहा है गाइस, और बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो का एडिटिंग के बारे में, ताकि आप भी इस टाइप का को बना के टिकटॉक पे हो या सोशल मीडिया पे अपलोड करके अपना मेसीयू वाला वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं गाइज। और इस टाइप से सुशांत सिंह राजपूत सर का जैसे फोटो को यूज करके इस टाइप से बनाया है गाइज, आप किसी भी बंदे का अपने या अपने दोस्त को भी याद करके इस टाइप का वीडियो को बना सकते हैं गाइज। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा इस टाइप का वीडियो का बनाने का प्रोसेस। तो अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, और अभी से लाइक कर दे हमारे चैनल पर, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को लेता हूं स्टार्ट। पहले इस टाइप का एडिटिंग के लिए शूटिंग का प्रोसेस इस टाइप से करना है गाइज। पहला नंबर शूटिंग आपको करना है गाइज, इस टाइप से फोन को हाथ में पकड़ लेना और ऐसे टाइपिंग करना है जैसे आपने गैलरी खोल के रखा है और फोटो देख रहे हैं, ठीक है। और किसी और का फोटो आ गया, फिर से आपने चेंज किया, दूसरा नंबर सुशांत सिंह राजपूत का फोटो आया जिसे आपने हाथ से पकड़ लिया, इस टाइप से एक्टिंग कर लेना गाइज। और दूसरा नंबर जो शूटिंग है गाइज, दूसरा नंबर शूटिंग का प्रोसेस कुछ इस टाइप से गाइज, फोन को एक जगह सेट कर लेना गाइज, और सामने जो स्काई है प्रॉपर ढंग से दिखना चाहिए, और फोन को गाइज थोड़ा जो एंगल तिरछा होना चाहिए तभी ज़्यादा बेटर दिखता है। कुछ इस टाइप से सेट कर लेना, और इस टाइप से चल के जाना है पीछे से, और हाथ को ऐसे करना, और इसके बाद ऐसे स्काई की ओर स्लाइड कर देना, ठीक है फोटो को। तो कुछ इस टाइप से जो शूटिंग है कर लेना गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है कैनवा स्टेप पे होने वाली, तो चले गाइज कैनवा स्टेप पे चलता। तो गाइज सबसे पहले करना क्या है, जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर टच करना, 9:16 वाला रेशियो पे जाना है गाइज, और आपको फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट दोनों को एक साथ इंपोर्ट कर लेना मीडिया वाले फाइल पे जाकर, ठीक है। तो मैंने गाइज पहले से ही इंपोर्ट करके रख ली ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और यहाँ पर जितना भी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, जितना भी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है ठीक है, उस वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लेना। तो जैसे ये यहाँ से तो लगभग इस पोजीशन से गाइज, तो यहाँ से तो ठीक ठाक है गाइज। इतना प्ले करने के बाद ये जब आप हाथ को ऐसे कर रहे हैं, देन आपको यहाँ से थोड़ा सा जब उठ के जा रहे हैं तो यहाँ से मैं यहाँ तक रख लेता हूँ वीडियो को, देन आपको यहाँ कैंची वाला ऑप्शन बजाना, ट्रिम टू राइट कर लेना, ठीक है गाइज। और इधर आपको करना क्या है, यहाँ से जब जा रहे हैं ठीक है, इधर से यहाँ से चल के जाना है तो इतना ही रखना है, इधर का भाग को आगे वाला भाग को ट्रिम कर लेता हूँ, तो प्लस कैची वाला ऑप्शन पे जाना और ट्रिम टू लेफ्ट कर लेना, ठीक है। अब आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइज कुछ इस टाइप से ये, तो इतना ही रखना है गाइज इस भाग को भी, और इतना रखना और ट्रिम टू राइट कर लेना, ठीक है। देन आपको इधर वाला पार्ट को स्लो कर देना, लगभग कुछ स्लो कर लेना, और साउंड के अकॉर्डिंग आपको वीडियो को मैच कर लेना। तो साउंड के लिए गाइज मीडिया वाले फाइल पर जाना, और भाई का वीडियो का लिंक रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये तो ये भाई का वीडियो का लिंक है, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नीचे में एक्सट्रैक्ट कर लेना ऑडियो को, यहाँ से डिलीट कर लेना वीडियो को, ठीक है। साउंड इतना है गाइज आप देख सकते हैं, और वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो साउंड के अकॉर्डिंग करने के लिए तो यहाँ पर वीडियो को इतना छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी है इसको कट कर लेता हूँ। अब आता है आपको करना क्या है गाइज, यहाँ से जब इतना हो जाए तो वीडियो के एक बार आपको एक्सपोर्ट कर लेना शेयर वाले ऑप्शन पर जाके, ठीक है गाइज। तो गाइज जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है, जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर टच करना, 9:16 वाले रेशियो पे जाना है, देन अभी आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट करी थी उस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर लेना फिर से, ठीक है। तो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा गाइज वीडियो, तो ये वीडियो को मैंने इंपोर्ट कर लिया है फिर से इसी में। अब आपको इसमें एनिमेट करना है, ठीक है, मतलब चीज़ों को ऐड करना है पेंजेस को। तो सबसे पहला पहले गाइज आपको यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा वीडियो को प्ले करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्ले करना है इतना, देन आपको लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना है, और डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको लिंक मिल जाएगा, ये जो पीएनजी मैं यूज कर रहा हूँ टोटल पीएनजी का लिंक मिल जाएगा। तो मैंने शाहरुख खान का फोटो को पहले ऐड कर लिया गाइज, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको यहाँ इतना कर लेना इतना, ठीक है। और इसकी इन एनिमेशन गाइज आपको रख लेना है, कौन सा दिखाता हूँ,
ये स्लाइड अप, ठीक है। तो या तो स्केल अप, स्केल अप ही कर लेना गाइज, स्केल अप बेटर लग रहा है। देन आपको ये जब आप उंगली से फिर से टच कर रहे हैं तो यहाँ स्टॉप करना, कैची वाला ऑप्शन पे जाना, ट्रिम टू राइट कर लेना, ठीक है। इस फोटो को यहीं से हटा लेना। देन आपको लेयर वाला ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना, और अब आपको सुशांत सर का फोटो को यहाँ ऐड कर लेना। तो देन यहाँ पर एकदम सही ढंग से एकदम ऐड करना गाइज, और यहाँ पर इसकी भी इन एनिमेशन आपको सेम रख लेना है। स्लाइड अप 0.12 सेकंड पे रख लेना, ठीक है। उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा प्ले करने का। अब जब हाथ को आप ऐसे फेर रहे हैं, ठीक है, हाथ को मुट्ठी बांध रहे हैं, वहीं पर स्टॉप करना वीडियो को, कैची वाला ऑप्शन पर जाना, ट्रिम टू राइट कर लेना, ठीक है। इतना ही रखना है। और आउट एनिमेशन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ गाइज, आउट एनिमेशन यहाँ पर 0.5 सेकंड पे स्लाइड अप रख लेना है। तो इससे ये वाली जो एनिमेशन वाले फीचर्स आने लग जाएगा। ये देख सकते लग रहा है हाथ में घुस गया फोटो। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करना ये है कि वीडियो को यहाँ पर ले जाना है चला के, और देन आपको यहाँ पर जैसे ये कर रहे हैं तो यहीं पर स्टॉप करना गाइज, और एक मार्क कर देना ताकि लाइनिंग इधर उधर ना जाए, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, लेयर वाला ऑप्शन भेजना, मीडिया वाला ऑप्शन भेजना, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा गाइज। तो आपको ये वाली जो इफेक्ट वाले पावर वाला इफेक्ट आपको यहाँ से डाउनलोड इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसका जो आगे का हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा है गाइज, बेकार है, उसको कट कर लेना है। देन आपको यहाँ से ये जो मैंने मार्क करी थी उसी जगह से सेट कर लेना, ठीक है। सेट करने के बाद गाइज आप दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में थोड़ा ये जो बेकार पार्ट है सब्सक्राइब और शेयर वाला, ये थोड़ा सा कट कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ये जो वीडियो है कितना टाइम तक रखना है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप फेंक रहे हैं, ठीक है, ये तो इतना ही दूर तक रखना है गाइज, और इसका जो हिस्सा है कट कर लेना, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। देन आपको और एक चीज़ करना है गाइज, यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना, इसको मास्क ऑन करना, शेप ऑन करना, गोल शेप लेने के बाद इसको एकदम प्रॉपर ढंग से शेप में ले आना है, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो बड़ा कर लेना डिस्प्ले को यहाँ से, ये हो गया। अब इसको क्रोमा की में जाना है और इनेबल कर लेना, हालांकि इसमें तो टोटली क्रोमा की हट चुका है गाइज। अब इसमें जाना है क्रॉपिंग वाला में फिर से, और फेदरिंग को ऑन कर लेना। देन आप फेदरिंग को ऑन कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको यहाँ पर नीचे में ब्लेंडिंग में जाना है गाइज। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ गाइज, ये स्क्रीन पे सेव कर लेना, ठीक है, ये इफेक्ट हो जाएगा गाइज। अब आपको यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर इसको सेट कर लेना गाइज। अब सेट करने के बाद आपको की वाले ऑप्शन पे जाना है, और आप जैसे जैसे हाथ को मूव कर रहे हैं वैसे ऐसे आपको की को लगाना है। अगर दिक्कत हो रही है इसको एकदम खींच के बड़ा कर लेना ताकि बारीकी से ये एडिटिंग हो सके। यहाँ पर की वाले ऑप्शन पे जाना, जस्ट आगे करना, यहाँ पर की देते रहना, जस्ट आगे करना, ये ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये एकदम बराबर होगा गाइज, बहुत ही मस्त इफेक्ट आएगा, आप देखना ध्यान से, ये ये तो जब आप हाथ को ऊपर उठा रहे हैं तो इसमें भी इसको ऊपर उठा लेना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है गाइज एडिटिंग में, तो यहाँ थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है तभी अच्छा बनेगा ये ऊपर की ओर स्लाइड कर देना, ठीक है, इसको एकदम बाहर कर देना स्क्रीन के। देन आपको एक बार प्ले करके देख लेना है ये ठीक ठाक से हुआ कि नहीं, ये बहुत ही ठीक ठाक एकदम बेहतरीन लग रहा है गाइज। तो इतना तो हो गया गाइज, अब आपको इसमें और एक इफेक्ट लगाना है गाइज, ये वाला बिजली चमकने वाला इफेक्ट। तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ से बिजली वाला इफेक्ट भी लगाना है, तो यहाँ से बिजली वाला इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले लेयर वाला ऑप्शन पे जाना वीडियो को स्टॉप करके, और मीडिया वाला ऑप्शन पे जाना। देन आपको यहाँ पर बिजली वाला इफेक्ट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है, ये वाली मिल जाएगी गाइज। इसको पहले क्रॉपिंग कर लेना, देन आपको क्रॉपिंग इस टाइप से कर लेना और मास्क को इनवेल कर देना, ठीक है। मास्क को इनवेल करने के बाद इसको यहाँ
सेट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक ऊपर की ओर सेट कर लेना। देन आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाना है, ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन पे सेव कर लेना। स्क्रीन पे सेव करने के बाद प्ले करके देख लेना कि ये बिजली चमकने वाला इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है गाइज, तो बहुत ही बेहतरीन है आ रहा है तो। और यहाँ पर आपको तो गाइज जब इतना हो जाए तो फिर से आपको वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना, देन लेयर वाले ऑप्शन पर जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना और डिस्क्रिप्शन में ये वाली फ़ोटो का भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है। इसको आपको खींच के लास्ट तक कर लेना वीडियो का और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लेना। देन आपको यहाँ पर आपको फेदरिंग कॉर्पिंग वाला ऑप्शन पर जाना और इसको मास्क ऑन करके फेदरिंग को ऑन कर लेना। देन आपको यहाँ पर इसको सेट कर लेना, ठीक है। सेट करने के बाद ही गाइज यहाँ पर आपको नीचे ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में आपको यहाँ पर स्क्रीन मल्टीप्ले ओवरले पे, सॉरी मल्टीप्ले पे, एक मिनट, ये मल्टीप्ले पे सेलेक्ट कर लेना गाइज। और मल्टीप्ले पे सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। हल्का सा एकदम ऑपेसिटी रहना चाहिए, बिल्कुल परछाई परछाई टाइप का दिखना चाहिए, तभी जाके ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है अच्छा वाला। और इसके इन एनिमेशन गाइज आपको फेड दे देना है, ठीक है। फेड 0.5 सेकंड पे रख देना और इसको थोड़ा सा आगे से ही लगाना, ये यहाँ से लगा लेना। दिखा लेता हूँ प्ले करके एक बार, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट आ रहा है गाइज। और ये जो बिजली चमकने वाला इफेक्ट है गाइज, ये एकदम थोड़ा इधर कर देना घिसका के, ताकि आपका फेस पे नहीं आके जो सुशांत सिंह सर का फेस पे आ जाए और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगे ये दिखने में। तो गाइज आपका ये जो वीडियो है गाइज कम्प्लीटली तैयार हो चुका है गाइज। अब इसको क्या करना है, जो शेयर वाला ऑप्शन पे जाके वीडियो कर लेना, एक्सपोर्ट और कर देना है टिकटॉक पे या सोशल मीडिया कहीं भी पोस्ट, लोगों का प्यार आपके ऊपर दिखेगा और आप जिसके लिए भी इस टाइप का वीडियो बनाएंगे गाइज, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है इस टाइप का वीडियो देखने में गाइज। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब देख ले, बाय बाय।